अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टार वोट्स फार्म में आपका स्वागत है। मगरिब की अजान जस्ट हुई है, बैठा हूँ। बकरों का दाना, भेंडों का, बकरों का दाना हो गया और पौसितों का पानी का दाना कर रहे हैं अभी। तो बैठा था ऐसे ही, कुछ खास वीडियो बनाने को है नहीं और यूट्यूब के लिए तो वीडियो बहुत कम ही बन रही है हम लोग की। हम लोग इंस्टाग्राम पर रील्स वील्स ज़्यादा डालते हैं, तो सोचा कि एक ऐसी छोटी सी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँ जो आप लोगों को कुछ पसंद आए, कुछ मामला हो। पाड़ों को दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं इस वीडियो में। हम लोग पाड़े का जो दाना चालू है, और तो वीडियो पूरा देखें, एंड तक का देखें इंशाल्लाह। हम लोग क्या कैसे करते हैं पाड़ों के साथ, है ना, उनका दाने का क्या सिस्टम है। थोड़ा सा एक सरसरी वीडियो है, कोई बहुत ज़्यादा है ना वो नहीं है, नॉलेज वॉलेज बहुत ज़्यादा इसमें नॉलेज वाला तो कोई मामला ही नहीं होएगा। बस एक जस्ट एक यूट्यूब की वीडियो के हिसाब से कि आज का दिन हम लोग का कैसा है, डेली की रूटीन। एक्चुअली कोशिश रहना चाहिए मेरे को भी कि डेली की रूटीन के बारे में भी हम लोग बताएं। बहुत खूबसूरत व्यू है यहाँ पे हम लोग के दरियाले फार्म पे। मैं गेट पे बैठा हूँ, आप देखेंगे बड़ी बड़ी ट्रक ट्रेला ये सब यहाँ से गुजरता है, आवाज़ बहुत है। एक्चुअली मैं सॉफ्टवेयर डाल देता हूँ जिसकी वजह से माइक से आवाज़ जो बाहर की है, नॉइज जो होती है वो नहीं आती है, नॉइज कैंसिल होती है, वो सब चीज़ें डाल दी। तो अब बहुत ज़्यादा अपग्रेड होते जा रहा है मामला। पहले तो हम लोग जब शुरू में जब ऐसे नॉर्मल काम करते थे, जब भी तो बहुत मामला होता, बहुत मोबाइल पे आवाज़ ज़ोर से चिल्ला के बोलना पड़ता था, लेकिन अब बहुत बहुत बेनिफिट मिलता है, वीडियो की क्लैरिटी ये सब चीज़ें भी बहुत अच्छी आने लगी। तो बहरहाल वीडियो पूरा देखें, एंड तक का देखें। मैं थोड़ा सी आपको हमारे फार्म का जो है पाड़ों का मैं लेके चलता हूँ, आप देखें हम लोग कैसे क्या कर रहे थे। तो वीडियो पूरा देखें, एंड तक का देखें, वहाँ पे लेके चलता हूँ मैं आप लोगों को। आप देखें अभी हम लोग एक्चुअली बीच का केज सिस्टम जो है आप लोग देखेंगे पूरा बहुत अच्छा खूबसूरत सा लकड़े का बना है। तब ये सब चीज़ें देखेंगे ना कितनी अच्छी लगती है, सब लकड़ों की बनी है। केज वेज में बोर बच्चा है पलाई का, ये सब पलाई के बकरे हैं हम लोग के। ये भी देखें इधर भी माशाल्लाह आप लोगों की दुआ से पलाई का काम अच्छा चल रहा है। ये भी सब पलाई के बकरे हैं। ये है देखो वाइट कोटा है पलाई का। अभी ये आप लोगों को यहाँ का सीन बता, बावा मेहनत कर रहे देखो, है ना, पाड़ों का दाना तैयार हो रहा है। एक्चुअली ये कुट्टी होती है, कड़वा कुट्टी जो बोलते हैं ना, ये वो है। ये देखे इसको पूरा भिगाया जाता है पूरा सिस्टम से। ये देखे पूरा इसको, एक्चुअली इसके अंदर पूरी धूल मट्टी है ना, मैल होती है जो। बाबा एक मिनट बताओ जरा ऐसा, हाँ देखो है ना, इसको छाना जा रहा है छन्नी से और इसके अंदर पूरी मैल, ये है देखो पूरा जो पानी है ना वो पूरा मट्टी का पानी हो जाता है। इसको पूरा छान के ये लोग इसके अंदर निकालते हैं और इसमें ऑलरेडी हम लोग का जो दाना भिगा हुआ रहता है, जो आप लोगों ने पहले भी देखा है, हम लोग पाड़ों का दाना बकरों को भी चलाते हैं कभी कभार, लेकिन अभी ये मौसम में नहीं चला रहे, बारिश और ठंडी में नहीं करते क्योंकि बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है, तो उन लोग पेशाब बहुत ज़्यादा करते हैं, जगह ज़्यादा गीली। तो ये पलाई के जानवर यहाँ पर भी है हम लोग के। ये देखिए एक चार सिंह, ये एक बेचने वाला बच्चा है चार सिंह वाला, ये तो पलाई का है भी बच्चे हैं माशाल्लाह। ये देखो बावा कैसे मिक्स कर रहे पूरा, ये देखे ने एक एक दाने को इन लोग को पूरा, एक्चुअली ये पूरा मिलाया जाता है, पूरे दाने को मिक्स करते, बहुत मेहनत का काम है ये। हम लोग को लगता है कि मैं देखो एक वो डाला था उस दिन वीडियो बताया था कि लोगों को लगता है बहुत आसान है पाड़े पालना, लेकिन ये बहुत मुश्किल मामला है। इसके लिए इन लोग कंटिन्यू लगा रहता है। अभी अंदर दाना चालू है ना, अंदर दाना चालू है ना इन लोग का ना, आज एक्चुअली सुबह दाना नहीं हुआ है, सुबह पानी का थोड़ा इशू हो गया था। ये देखे माशाल्लाह कैसे खा रहे इन लोग का। हम लोग ने फीडर यहाँ पे ऐसा बनाए है, ये शॉर्ट हाइट वाले है, मैं इसकी साइज बता देता हूँ। ये देखे हाँ ये लोग बौने जो आते हैं ना, ये वो है खा रहे। फ्लैश लाइट ऑन कर देता हूँ। यहाँ एक और आज दोपहर में एक टाइम दाना अगर थोड़ा नहीं हुआ, पानी नहीं आने की वजह से देखो आज गंदगी भी हम लोग इधर थोड़ा सी ले आओ। ये सेक्शन हम लोग का काफी अच्छा बन गया, इधर कहाँ ले जाएंगे बाजू में ना, लेके जाओ। हाँ इसको मैट को ऊपर कर लेना, नहीं तो ये टूट जाएगा मैट। हाँ पहले तौसीफ इसको करवा के ले ले, तो यहाँ पैर जाएगा ना उसका टूटेगा। हाँ वो उसका जाफरा का दाना अलग से आएगा उसका। ये देखो माशाल्लाह ये पलाई गया हम लोग का, बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है माशाल्लाह। इतना चेंज तो हम लोग खुद हैरत कर रहे हैं।
और ये इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट ईयर कुर्बानी करेंगे इसको हम लोग को। ये हम लोग का अभी इसने दांत किया ना, दो दांत करा ना माशाल्लाह अभी किया है। अरे वो दाना कैसे मिक्स होने के बाद इन लोग कैसे खाते हैं पूरा, ये भी दाना खाने के बाद वीडियो बनाना पेटी भरी है। हाँ उसको बता देंगे ना। हाँ उन लोग एक्चुअली एक दाना सुबह हुआ नहीं है, मोटर जल गई थी आज। यहाँ पे बारिश में ये सब चीज़ों का बहुत तकलीफ हो जाता है। पूरा कितना सेटअप पूरा करना पड़ता है, लोगों को लगता है बड़ा आसान मामला है, मेरे को पूरा इसको भर रहे हैं पूरा दाने को अभी। अच्छा कितना दाना बनाया जाता है अगर इतने दाने में, तो मेरे ख्याल से 6 पाड़े हैं हम लोग के, इसके अंदर पूरे फार्म के बकरे खा लेंगे, इतने दाने बनता, इतना दाना बनता है। लेकिन ये हाँ ये ऐसा दाना दो टाइम होता है ये। हाँ ये देखे अब इसको इन लोग को ले जा रहे हैं ये इधर, ये देखो तौसीफ, खास तौसीफ का काम ही है ये पाड़ों का डिपार्टमेंट, उसके ही हाथ में पूरा संभालना। ये देखे मेहनत चालू हो जाती है, सब सेट करना पड़ता है दाने का। ये बावा दाना बना रहे डब ऐसे बाल्टी में निकाल निकाल के, ये लोग को मेरे को, ये लोग को कितना मेहनत है। 3 आदमी दाने पे लगते हैं। ये पीछे वाला हम लोग का जाफरा है, वो तरफ से मैं उसको बताऊंगा आज। बरोबर देव डालो बढ़ते जा रहे, लोग खा रहे। मैं उन लोग को खाना स्टार्ट हुआ वो दिखाता हूँ मेरे को। माशाल्लाह अच्छा पूरा डब्बा भरा रहता है पूरा। ये ड्रम है, हाफ ड्रम है समझ लो, अभी इसको और डाला जाएगा हाफ ड्रम भर के। यानी बड़े पहाड़ों की खुराक भी ऐसी नहीं है कि छोटी खुराक है। देखो इन लोग को भी खुराक माशाल्लाह, इन लोग अभी बस डालना चालू कर रहे हैं। थोड़ा गंदगी आज ज़्यादा है क्योंकि मैं बोला था, जैसे बताया ना आपको आज हमारी पानी की मोटर जल गई थी, तो उसकी वजह से मेरे को बाल्टी भर भर के पूरा दाना डाला जाता है। ये शौक है हम लोग का, हम लोग शौक में इतना इसकी कोई वो नहीं होती है, यानी क्या है हम लोग जो शौक कर रहे हैं ना इसकी कोई गिनती नहीं है खर्चा करने की। और लोग एक पाड़ा पालने में लोगों की हालत ख़राब हो जाती है, रोज़ का खिलाना, ये अल्लाह ताला इनको इनकी नसीब का खिला रहा है, हमारी कोई औकात नहीं है। जो इतने बड़े बड़े जानवरों को हम लोग को पूरा साल हम लोग खिलाते हैं शौक के तौर पे, और शौक होता है। देखो ना हमारे जाफरा को देखो माशाल्लाह, हाँ शौक भी हम लोग अपना खुद कर रहे हैं ना। आ जाओ बीच में ना, उसको जाफरा को नहीं डाले अभी, तो ड्रम है ना अपने पास, उसका दाना ज्यादा रहता है। हाँ मेरे को माशाल्लाह कैसे खा रहे, रेड आइज है ये बच्चा हमारा, और ये हमारा एक है, ये बहुत खूबसूरत बच्चा है, इसने बहुत अच्छा हम लोग को रिजल्ट दिया है ये साल। यानी अभी 2 महीने में इसने बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट ईयर हमारे पास सबकी अल्लाह ताला सेहत याब सबको रखे सारे जानवरों को, तो नेक्स्ट ईयर हमारे पास सारे नगीने रहेंगे। इसकी हाइट देखो कितनी माशाल्लाह, ये दोनों बौने लोग को देखो माशाल्लाह, हाइट से देखो आपको आदमी की हाइट से समझ में आएगा, देखो कितनी हाइट है ना। ये डाले दाना है लोग का, बस डालते ही रहना पड़ता है। ये जब जाके जो इतने तैयार हम लोग के पास होते हैं ना, लोगों को लगता है कि खाली ये तैयार हो गए, ये कर दिए हम लोग ने पाले, पालने में भी बहुत खर्चा। हाँ बकरा पालने में और पाड़ा पालने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ज़मीन आसमान इसलिए बोल रहा हूँ कि उनकी खुराक और बकरों की खुराक में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अच्छा इनको डेली 2 टाइम नहलाना, बकरों को तो हफ्ते 10 दिन में 1 बार नहलाना पड़ता है, इनको 2-2 बार नहलाना पड़ता है दिन में 2 बार। हाँ ऐसा नहीं कि खाली इसमें, दिन में 2 बार है। देखो अभी भी दाना कंटिन्यू बनी रहे, बावा का काम दाना बनाना है, समत का काम डालना है, तौसीफ का मैनेजमेंट है सब, और मेरा वॉचिंग है खाली, मैं देखते रहता हूँ सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत कम काम करता हूँ क्योंकि दोनों फार्म को मैनेजमेंट देखना ये सब करना वो सब मेरे हाथ में। देखो अभी किसका बाकी, खाली जाफरा का ना, कितना ये दोनों, ओके मैं वो तरफ से जाफरा को कवर करता हूँ, यहाँ से नहीं होते। देखो इन लोग क्या है,
सब घास वास सब आके पड़ी है, पूरा दाना भूसा ये सब हम लोग का स्टोर रूम है ये हम लोग का। आ जाओ, क्योंकि वहाँ से थोड़ा गंदगी है, जा नहीं पाएंगे। अब मैं यहाँ से चलते हैं, मैं आप लोगों को एक चीज़ ये बताता हूँ। इधर देखो ना, ये मेंढे लोग का सेक्शन हमारा, ये देखो ये पलाई का है माशाल्लाह, ये पलाई का है, ये देखो पलाई का माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा बच्चा हुआ। ये देखो आशियाना गोल्ड फार्म वाले है ओवेस, उनका है, उसकी फिटिंग देखो माशाल्लाह कितनी अच्छी हो गई। ओवेस अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको खुद समझ में आएगा आपका मेंढक कैसा आया था और अब माशाल्लाह कैसा है। ये देखिए, ये एक बच्चा था कजला लास्ट ईयर का, हम लोग ने बेचे थे, और क्या रंगत इसने भी चेंज किया। एक जैकब है, ये बेचने वाला है हम लोग का जैकब। ये एक चीता है, ये भी बेचने वाला है। ये देखिए, ये एक मेंढा है, ये भी एक मेंढा है पलाई का, जिगम भाई करके हमारे उनके है, ये हमारे वली भाई का है। ये हम लोग के बड़े, हाँ हमारा मेन काम जो हम लोग तो भूल गए, यहाँ भी देखो सब मेंढे बैठे हैं पूरे। हम लोग जाफरा के पास चलते हैं स्पेशली, उसके दाने का टाइम हो गया और वो मचलना चालू हो गया। देखा, ये देखो घूम के आए माशाल्लाह। साइज देखो, कैमरे में एक्चुअली पूरा आता नहीं, मेरे को फ्लैश लाइट बंद करके जूम आउट करना। ये देखो, ए माशाल्लाह भाव आए, ए करो आगे करो, चलो लगाओ भाव, गलत जगह लगाए हो, पैर में लगेगा, लगाओ फटाफट लगाओ, ये बैंड हो गया पूरा। डालो फटाफट चुनी डालो, हाँ ये देखो, वहां से आगे से उठा के, ये देखो हटो बाबा, डालो। माउंटेन है, माउंटेन वीडियो में नहीं समझ में आता, ये साइज देखो। एक्चुअली हम लोग नहीं बताने, लेकिन क्या हमारे पास माल है वो हम लोग दिखाना, बहुत से लोग हमारे पास क्या पड़ा है वो भी इंतज़ार में रहते हैं ना, कासिफ भाई ने इस साल क्या रखे है, हमको क्या लाना है। बहुत लोगों को हम लोग ने शौक में लिया है ये वाइट पाड़ों के, जो लोग काला पाड़ा पालते थे वो भी सब सफ़ेद पाड़े में आ गए हैं अभी। हमारे कई दोस्त लोग थे ऐसे जो खाली कुर्बानी के लिए काले लेते थे, अब वो सफ़ेद पाड़े ले रहे हैं। टारजन ने हम लोग की मार्केट बना दी ना, माशाल्लाह इसकी साइज कैमरे में आता नहीं है, ये कितना जूम आउट करेंगे। देखो तौसीफ खड़ा है, दाना भी चालू है, देखो कैमरे पीछे जगह नहीं है मेरे, हम लोग माशाल्लाह सब खा रहे हैं आराम से, तो सुकून से बहुत अच्छा हम लोग को सेटअप मिला है अभी, जो हम लोग का फार्म अभी का मिला है हमारे को, बहुत अच्छा है, सुकून है यहाँ पे, सुकून है यहाँ पे हम लोग को। और यार रख देता हूँ कैमरा थोड़ा सी, अपन मैं बता देता हूँ, हाँ हमारा ये फार्म एक्चुअली पूरा पलाई सेक्शन पे ही हम लोग रखे है इसको, हम लोग को यहाँ पे सिर्फ पलाई करना है। हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग का कोई भी काम नहीं करेंगे, लेकिन फिल वक्त प्रॉब्लम ये है कि नीचे के फार्म पे आजू बाजू बिल्डिंगें बन गई हैं, और जो ज़मीनों के ऊपर लोगों ने भरनी कर दिया, भरनी इन द सेंस ज़मीन का लेवल अप कर दिया, तो और हमारा फार्म नीचे हो गया नीचे का, तो उसकी वजह से उसमें बहुत ज़्यादा पानी भर जा रहा है और पानी ज़मीन से निकल रहा है। तो अभी भी नीचे का फार्म बिल्कुल बंद है, क्लोज है, हम लोग वहाँ से कोई काम नहीं कर रहे, लेकिन बस इंशाल्लाह इंशाल्लाह बारिश रुकते ही ये मंथ के एंड तक का अल्लाह ने चाहा तो वहाँ पे भी काम चालू करेंगे हम लोग। यानी काम कैसे चालू करेंगे, पहले वहाँ पे हम लोग है ना हाइट को बढ़ाएंगे, वहाँ पे भरनी करवर के हाइट बढ़ेगी, फिर जो हमारे केजेस है उनको ऊपर लेना है, कम से कम महीना दो महीना या तीन महीना, आई थिंक दो महीना तो एटलीस्ट वहाँ पे जाएगा मुझे पूरा काम करते करते, यानी कराते हुए पूरा दो एक महीना जाएगा। तो अभी हमारा जो ये वाला फार्म है, सेकेंड वाला जो फार्म है हमारा बाईपास पे है, वही स्टार्ट है और वहीं से ही हम लोग पूरा वर्क कर रहे हैं। जो ट्रेडिंग के भी थोड़े बहुत जो जानवर आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी यहीं से ही हम लोग कर रहे हैं। तो जैसे कुछ बच्चे अभी आए थे माशाल्लाह बिके पलाई पे आ गए, तो ऐसे ही हम लोग पलाई भी और ये ट्रेडिंग भी, क्योंकि ये बहुत छोटा फार्म नहीं है, जैसा हम लोग का नीचे है उससे थोड़ा सा छोटा है, लेकिन बस ये है कि यहाँ पे सुकून ये है कि बारिश का कोई तकलीफ़ नहीं है अल्लाह के फजलो करम से,
जितनी भी बारिश पूरी माउंटेन में होती है, पहाड़ों में होती है, वो बह जाता है। हाइट पे होने की वजह से हम लोग रात में सुकून में सोते नहीं, तो नीचे के इससे पहले वाले फार्म में भी यही प्रॉब्लम होता था हमारा कि जहाँ जोर से बारिश हुई तो घर से हमें टेंशन हो जाता था कि अब बारिश होगी ज़्यादा तो पानी भरेगा, फिर सारी चीज़ें हटाना, फ्रिज रेफ्रिजरेटर है और भी अनाज का अनाज दाना सब बहुत मुश्किल होती थी, बहुत मुश्किल होती थी। लेकिन ये फार्म अल्लाह का फजलो करम है। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे यही एक चीज़ का आराम है हम लोग को कि बारिश से हम लोग को अल्लाह ताला ने निजात दी है यहाँ पे, क्योंकि बारिश अल्लाह की रहमत होती है और उसको बहुत से मामला ऐसे हो जाते हैं कि जब वो जहमत के तौर पर हमारे ऊपर आती थी, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग सुकून से और इन्जॉय भी करते हैं। बारिश जब होती है बहुत ज़्यादा, सामने पूरा वाटर, अच्छा एकदम जस्ट गेट के सामने वाटरफॉल है, लोग आते कहीं तो, अभी हम लोग पलाई वाले लोग कोई आए थे लास्ट टाइम, लास्ट संडे को उन लोग फैमिली लेके आए थे यहाँ से, और उन्होंने यहाँ से क्रॉस करके गए, गाड़ी यहीं खड़ी की और सामने बच्चों लोग को उन लोग ने वाटरफॉल के अंदर नहला रहे थे, तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को भी। उन लोग भी बड़े खुश हो गए, बच्चे भी बड़े खुश हो गए, ये जो संडे अभी गया उस पर आने के लिए जिद कर रहे थे, लेकिन उनका एग्ज़ाम था कुछ आई थिंक, तो वो हिसाब से वो आए नहीं। मुझे कॉल भी आया था उन लोग का कि बोले भाई हम लोग आने वाले थे, एग्ज़ाम है, बच्चों को बारिश बहुत ज़्यादा है, नहलाएंगे फिर लाके। तो ये इन्जॉयमेंट खाली बारिश में ही रहता है, साल भर नहीं रहता है, तो खाली बारिश के मौसम में यहाँ पे पानी आता है, बाकी मौसम बहुत क्लाइमेट अच्छे है। तो बहरहाल एक छोटी सी वीडियो लेके मैं आया, हम लोग के पहाड़ों का एक थोड़ा सी सेटअप बताने की कोशिश थी मेरे को कि क्या हम लोग का सेटअप है, क्या माल हमारे पास है। हम लोग अभी कुछ बढ़ा रहे नहीं है, या बहुत अच्छा अफलातून कुछ मिला तो मैं खरीदी करूँगा, बाकी अभी फिलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है, कुछ भी मैं खरीदूँगा नहीं पहाड़ों के ताल्लुक से। और पलाई को लेके हम लोग का पूरा स्लैब बना हुआ है, अमान के पास भी है, मेरे पास भी, अगर आपको चाहिए तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप करें। अभी केजेस भी खाली है, अभी मेरे पास 60 एक बकरे आए हुए हैं पलाई पे, बकरा और मेंढा मिला के 60 हो गए टोटल, तो नॉट बैड यार, बुरा नहीं है, 2 महीने हम लोग का बकरीद को जाके हुआ है। और नया बंदा ये लाइन में पलाई सेक्शन में मैं नया हूँ, और इंशाल्लाह देंगे कुछ अच्छा करेंगे, रिजल्ट देने की भी पूरी कोशिश करेंगे, लास्ट टाइम की जो लास्ट ईयर की गलतियां थी उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ हमारे से लास्ट ईयर गलती हुई थी, क्योंकि हमारे कुर्बानी के बकरे और पलाई के बकरे मिक्स हो गए थे वहाँ पे, हम लोग पलाई के बकरों को लास्ट के 15 दिन में ज़रा भी ध्यान नहीं दे पाए, सिर्फ दाना डालते थे, बाकी उनके केयर टेकिंग जो नहलाना धुलाना ये वो, और बकरे नए बकरे आने के बाद पुराने बकरे बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, कई टाइम पर दाना खाते भी नहीं थे, दाना पूरा गिरा भी देते थे, तो वो सब चीज़ों का ये फार्म पर आराम होगा इंशाल्लाह। और अल्लाह ने चाहा तो कुछ आप लोगों की दुआ रही, और अल्लाह का कुछ अल्लाह का एहसान तो रहता ही है मेरे को, लेकिन अगर आप लोगों की दुआ रही और हम लोग के पास पलाई ज़्यादा आई, हम लोग कुछ सरप्राइज़ करेंगे बड़ी जगह का, यहाँ पे करने का पूरा इरादा है, हम लोग एक्सटेंड करेंगे, बढ़ाएंगे उसको इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आप लोग हमें सपोर्ट करें, पलाई भेजें इंशाल्लाह। और मुमरा के मुमरा में यार बॉम्बे बहुत उतनी लंबा जाने की ज़रूरत नहीं है, लोग बाईपास पे यहीं रुक जाते हैं, कितने लोग तो अभी यहाँ ऐसा हो गया कि ये रिटेल शॉप हो गई है, गाड़ी जाते जाते यहाँ पे लोग रुक जाते हैं और बकरे हैं, बकरे बेचने वाले हैं, पलाई पे रखते हैं, तो हमें यहाँ पे तो मार्केटिंग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है। रोड होने का, हाईवे एक्सप्रेस यानी इतना बड़ा हाईवे होने का हम लोग को बहुत बेनिफिट मिल रहा है, लोग रुक रहे हैं, और बॉम्बे से भी बहुत करीब है, आप यहाँ से हम लोग को कहीं लंबा जाना है तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन यहाँ से लोकल लोग खाली पहाड़ ऊपर चढ़ते हैं और आराम से यहाँ आ जाते हैं शाम में एंजॉय। हम लोग का ये बहुत अच्छा स्पेस हम लोग ने बनाया बैठने उठने के लिए, चेयर वेयर सब रखे है, बहुत बड़ा ग्राउंड नहीं है, लेकिन आराम से आप अपना बकरा ले जाके, बाजू में ग्राउंड है, वहाँ पर खेल वेल भी सकते हैं, इंजॉय भी कर सकते हैं। तो पलाई पर आप लोग दें, हमें सपोर्ट करें, हम लोग को मुमरा के मुमरा में है, और हम लोग कोशिश करेंगे कोई इंजेक्शन नहीं यानी कोई स्टीरॉइड नहीं कुछ भी नहीं, इंशाल्लाह सेल्फ फीडिंग पे पूरी कोशिश हम लोग करेंगे अच्छा रिजल्ट देने की। और बाकी कोशिश यही है कि आप बकरे भी जब खरीदें तो अच्छी नस्ल के खरीदें, कोई भी कुछ भी ना खरीदें, क्योंकि बकरे ख़रीदना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। इंशाल्लाह ये टॉपिक के ऊपर अपन एक वीडियो बनाएंगे कि कैसे बकरे खरीदें, नस्ल कैसी देखी जाए, कैसे पहचाना जाए, कौन सी होती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि अच्छी नस्ल के बकरे मेहनत करना ज़्यादा नहीं पड़ता है, क्योंकि उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, वो बढ़ने वाली साइज़ होती है उनकी, और जो रेगुलर बकरे लोग कुछ भी ले लेते हैं ला के खाली रख देते हैं और एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हर महीने 3 किलो 4 किलो वेट गेन करे, तो वो नहीं हो पाता है। तो इस बार हम लोग कोशिश वही कर रहे हैं कि अच्छा बकरा ले रहे हैं,
जो ग्रोथ करे। मैं एक अच्छा एक एग्जांपल यही है कि एक बड़ी कॉलेज है या बड़ा स्कूल है, वो अच्छे ही लोगों को, स्टूडेंट को एडमिशन देता है क्योंकि उसका रिजल्ट 100% आए। तो हम लोग भी कोशिश वही कर रहे हैं कि हमारा उसका रीज़न है। देखो आप लोग भी अच्छे बकरे खरीदेंगे उसकी वजह से, आप कुछ भी नहीं खरीदेंगे। देवनार चले गए, देवनार से कुछ भी ले लिए। अभी देवनार से हमारे एक दोस्त ने लिया था बकरा, उसको काटना पड़ा। मैं मना कर रहा था, मैं लेने के लिए भी तैयार नहीं था। बहुत मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप ले जाओ यहाँ से, मेरे ऊपर ब्लेम नहीं आना चाहिए, लेकिन वो वही हुआ, बकरे को काटना पड़ा। तो बहरहाल छोटी सी वीडियो थी, आप लोग आए और हमारे फार्म पे विजिट करें चिकन पर। तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।